नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे व्यापम के द्वारा जो प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 के जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरे थे, यानी कि वर्ग तीन के, तो उसके जो एडमिट कार्ड आ गए हैं वो हम कैसे ऑनलाइन डाउनलोड करेंगे और उसके साथ में हमें क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, संपूर्ण जानकारी हम आपको आगे वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हमें गूगल पर peb.mp.gov.in सर्च करना है। उसके बाद में जो सबसे पहली लिंक दिख रही है, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल, तो सिंपल से ये वाली लिंक पर हमें क्लिक करना है। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमें डैशबोर्ड दिखेगा, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल। उसके बाद में दोस्तों हमें स्क्रॉल कर नीचे आना है और यहाँ पर आपको हिंदी या इंग्लिश जिस भी भाषा का चयन करना है उस भाषा पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमें डैशबोर्ड दिखेगा। उसके बाद में दोस्तों हमें यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट में सबसे पहली लिंक दिख रही है, टेस्ट एडमिट कार्ड जो है प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020, तो सिंपल से ये वाली लिंक पर हमें क्लिक करना है। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से कुछ इम्पोर्टेंट इंट्रक्शन है, इसको आप चाहो तो पढ़ भी सकते हैं, अन्यथा यहाँ पर आपको रीड ऑल इंट्रक्शन ये जो ऑप्शन दिख रहा है तो सिंपल से क्लिक हियर जो दिख रहा है इस पर हमें क्लिक करना है। तो प्राइमरी स्कूल टीचर टेस्ट 2020 का ये ऑफिशियल पोर्टल खुलकर आ जाएगा। तो ये वाले पोर्टल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहां से आप डायरेक्ट ये वाले पोर्टल पर आकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों हमें यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है और कैप्चा कोड डालकर सर्च पर क्लिक करना है। एप्लीकेशन नंबर दोस्तों, जब आपने आवेदन फॉर्म फिल किया था और जो आवेदन की रिसिप्ट आपको प्राप्त हुई थी उसमें जो एप्लीकेशन नंबर है वो एप्लीकेशन नंबर यहां से आपको सर्च करना है, वो एप्लीकेशन नंबर यहां पर आपको डालना है और डेट ऑफ बर्थ डालकर सिंपल से सर्च पर हमें क्लिक करना है। तो दोस्तों, जैसे हम एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड डालकर सर्च पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 प्रवेश पत्र कुछ इस तरीके से हमें दिखेगा, जिसमें सबसे पहले रोल नंबर, आवेदन नंबर, अभ्यर्थी का नाम, कैंडिडेट का नाम, पिता पति का नाम, उसके बाद में जन्म तारीख, श्रेणी, उसके बाद में लिंग, मूल निवासी, उसके बाद में जो आपका आवेदक का शरीर का स्थायी पहचान चिन्ह यहाँ पर आपको दिखेगा, उसके बाद में आपका फोटो आईडी पहचान चिन्ह जो आपने लगाया है वो यहाँ पर आपको शो होंगे, आपका आधार नंबर दिखेगा और उसके बाद में दोस्तों एक TSC कोड यहाँ पर आपको दिखेगा और बाद में आपको परीक्षा केंद्र यानी कि टेस्ट सेंटर जो भी आपका रहेगा वो यहाँ पर आपको शो होगा और तारीख और समय यहाँ पर आपको जो है दिया रहेगा और रिपोर्टिंग टाइम भी यहाँ पर आपको दिया रहेगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर कुछ नोट है, PEB द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस तथा पासपोर्ट में से कोई एक को चयनित कर सकते हैं। यानी कि आपको एडमिट कार्ड के साथ में आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी आपके पास उपलब्ध है वो आपको एक डॉक्यूमेंट ले जाना अनिवार्य रहेगा और वो मूल डॉक्यूमेंट आपको ले जाना रहेगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकता है। यानी कि आप यदि आप आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस इनमें से कोई एक मूल दस्तावेज नहीं ले जाते हैं, इस स्थिति में आपको परीक्षा केंद्र से बाहर कर दिया जाएगा। परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है। उम्मीदवार एडमिट कार्ड में दिए गए समय के अनुसार केंद्र पर पहुँचे। प्रवेश पत्र समय केंद्र पर भीड़ से बचे और सामाजिक दूरी बनाए रखें। उम्मीदवार को अपना मास्क, परीक्षा से संबंधित दस्तावेज, एडमिट कार्ड, आईडी कार्ड एवं एक साधारण पारदर्शी बॉल पेन आपको लेकर जाना रहेगा। इसके साथ में दोस्तों आपको जो है फोटो, आपकी जो भी फोटो है, आपने जो आवेदन करते समय जो फोटो लगाई थी वो फोटो भी आपको साथ में ले जानी रहेगी
और आपको एक सैनिटाइजर बॉटल भी साथ में रखनी होगी। और दोस्तों पांचवें नंबर पर एक बहुत महत्वपूर्ण निर्देश है, आवेदक अपना आधार बायोमेट्रिक अनलॉक कर ही परीक्षा हेतु उपस्थित होवे। आधार बायोमेट्रिक लॉक होने की स्थिति में आपको परीक्षा से वंचित किया जा सकता है। तो दोस्तों आप अपना जो बायोमेट्रिक है, अपने आधार कार्ड पर जो अपना बायोमेट्रिक है वो अनलॉक होना चाहिए, ताकि आपका जब परीक्षा हॉल में बायोमेट्रिक सत्यापन हो तो आपका थंब आसानी से आ जाए। यदि आपका बायोमेट्रिक लॉक होगा तो उस स्थिति में आपका जो है बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन परीक्षा सेंटर पे नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको परीक्षा से बाहर कर दिया जाता है। तो दोस्तों बायोमेट्रिक अनलॉक कैसे करते हैं उसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। उसके अनुसार आप अपना बायोमेट्रिक अवश्य चेक कर ले कि आपका बायोमेट्रिक लॉक है या अनलॉक। इस तरीके से दोस्तों ये जो एडमिट कार्ड है इसको स्क्रॉल करके नीचे आना है और इसकी प्रिंट निकाल कर संबंधित छात्र को देनी है, और जो इसमें नोट दिए गए हैं उस अनुसार आपको परीक्षा हॉल में पहुंचना है और उस अनुसार अपने दस्तावेज साथ में लेकर जाना रहेगा। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना, एवं किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो हमें कमेंट्स करना, हम आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।